आज महत्वपूर्ण फॉर्मूला का वीडियो है। जैसे कि शंकु के बारे में हम लोग देखेंगे, शंकु से कितना सूत्र निकल सकता है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसके बाद देखिए बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π × r + h होता है। बेलन का आयतन अगर पूछा जाएगा निकालने के लिए, तो यहाँ देखिए r और h का वैल्यू दिया रहता है। अगर बेलन का आयतन निकालना है तो πr² × h हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे दूसरा। देखिए दूसरा में क्या है आपका वृत्त के बारे में। देखिए आप जानते हैं कि ये आपका वृत्त है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। और देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए वृत्त की अगर परिधि निकालना है, वृत्त की परिधि पर 2πr होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ जानते थे कि अगर क्वेश्चन में कह देगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये आपका वृत्त का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। वृत्त के बाद आते हैं थोड़ा सा हम लोग घन में। देखिए घन का जिस तरह से आप लोग जानते होंगे फिगर के बारे में, जैसे कि लूडो देखे होंगे उसमें जो छक्का रहता है, तो उसमें ये आपका घन है। देखिए घन का क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग, घन का क्षेत्रफल। घन का जो क्षेत्रफल होता है उसे जरा आप लोग ध्यान देंगे, घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। घन का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 6 × भुजा स्क्वायर। घन का आयतन, देखिए घन का अगर क्वेश्चन कहेगा आयतन निकालना है, ये आपका होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए घनाभ आता है। घन के बाद घनाभ, घनाभ से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक ले लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो इसके लिए सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, और आगे में जो है यहाँ 2 लगता है, 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। यह आपका पूरा मैथ का जो था इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरे वीडियो में लेके आएंगे इस पे क्वेश्चन।